Good evening, dear students. Today is day 15 of the NEET Direct program, and this is the assignment solution of PYQs for day 1 of your gravitation chapter. So let us start from question 1. Dhyan se dekhiyega. Two objects of equal masses placed at certain distance from each other attract each other with a force F. Yani pehli equation jo hum bana rahe hain wo ye hai F is proportional to m into m by r square. ठीक है, इस पर इक्वल मासेस हैं एंड फोर्स एफ. देन इसके बाद आपने क्या किया, वन थर्ड ऑफ मास इज ट्रांसफर्ड टू अदर ऑब्जेक्ट. एक से वन थर्ड मास उठा के दूसरे पे डाल दिया. अब फोर्स कितनी होगी, देखें इसको बड़े ध्यान से देखना है. एम का वन थर्ड जब निकाल लें तो 2/3m हो जाता है. ठीक है, एक मास बन गया हमारा 2/3m. ये वन थर्ड दूसरे पे चिपका देना है तो वो वन थर्ड उस पर गया, 4/3m बन गया. दैट इज़ अब हमारे पास ये दो मासेस हैं 2/3m एंड 4/3m. अब इनके ऊपर कितना फोर्स होगा, अट्रैक्शन. तो एफ प्राइम लेट अस सपोज, तो ये 2/3m मल्टीप्लाई बाय 4/3m, डिस्टेंस सेम ही है, अपॉन आर स्क्वायर. ये ले लीजिए. नाउ टेक द रेशो, तो 2 / 1 करिएगा एफ प्राइम बाई एफ, और वो 8/9 एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या था एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें जो कैंसिल होता है उसे कर दीजिए. दिस टू गेट कैंसिल, दिस टू गेट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एफ प्राइम इज 8/9 टाइम्स एफ. सो दैट इज द आंसर, 8/9 एफ, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है. राइट, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, इसमें कहा गया दो बॉडीज हैं, मास स्मॉल एम कैपिटल एम, उनको वैक्यूम में रखा गया और बाद में उसमें एक लिक्विड भरा गया इन द इंटरवेनिंग मीडियम. यानी एक बॉल ये है, एक ये है कैपिटल एम मास स्मॉल एम. पहले तो उनके बीच में एयर या वैक्यूम ही था, बाद में आपने इनके बीच में कोई लिक्विड भर दिया इनके बीच वाली जगह में, एंड देर वर डिस्टर्बिंग द फील्ड, और उसकी डेंसिटी है 3. अब बताइए ग्रेविटेशन फोर्स कितना है. बेटा जैसे कि आप जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स में जी का बहुत अहम योगदान है, और दिस जी इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम प्लेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर अंडरगोइंग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. इसका मतलब यह हुआ कि आप मीडियम कोई भी डालें बीच में, वैक्यूम रखें, नो चेंज विल बी देयर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हमेशा ये रहता है. इसमें बिकॉज हमने ना तो इसको चेंज कर सकते हैं, ना ही ये चेंज किया है, ना ही ये चेंज किया है, तो फोर्स इज सेम. तो हमारा आंसर बी ऑप्शन है. ओके बेटा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड. इसमें हमें ये पूछा जा रहा है कि फोर्स एग्जर्टेड बाय द सन कितनी है, बिकॉज अर्थ उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती है विद दिस एंगुलर वेलोसिटी. तो जब एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है और फोर्स पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सेंट्री पीटल फोर्स की बात हो रही है. ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं, एम आर स्क्वायर ओमेगा. ठीक है, तो इसमें एम क्या है, एम इज, तो आइए लगाएं वैल्यू. जब मास जो है अर्थ का, इट्स गिवन टू बी 6 × 10^24, तो 6 × 10^24 kg, और इसके बाद जो सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अर्थ है उसका साइज दिया है 1.5 × 10^8 किलोमीटर, बट मैं इसको लिखूंगा 10^11 बिकॉज मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा ताकि एसआई सिस्टम में ही आंसर आए, इनटू ओमेगा स्क्वायर. एंड एज यू कैन सी ओमेगा 2 × 10^-7 स्क्वायर किया. जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 36 × 10^21 न्यूटन, एंड दैट इज द आंसर. अब देखें ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, दिस ऑब्वियसली ऑप्शन ए, सो दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन. तो आइए बेटा क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं. रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है ये, तो दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर्स, और मार्स का दिया है तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ मार्स 3200 किलोमीटर्स. ऑलराइट, इसके बाद लिखा कि मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम्स मोर देन मार्स, तो मास ऑफ अर्थ जो है 10 टाइम मास ऑफ मार्स है.
मार्स से 10 टाइम हैवियर अर्थ। तो पहले तो हमें इन इस डाटा को लेके जी स्मॉल जी देन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू मालूम करनी होगी। आप जानते हो जी का ये फार्मूला है, ठीक है, और ये मार्स के लिए जी प्राइम लिख दो, मास ऑफ मार्स, रेडियस ऑफ मार्स स्क्वायर, अर्थ के लिए ई लिख लें। अब इन दोनों का रेशो ले लो, तो जी प्राइम बाई जी इज मास ऑफ मार्स, रेडियस ऑफ मार्स स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ। एंड नाउ डाटा यहाँ से फिल करना शुरू कर दें। ये मास ऑफ मार्स जो है इसको ऐसे रखो, अर्थ का उसे 10 टाइम रखो, ठीक है, यही है। तो मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम मास ऑफ मार्स, ऊपर मास ऑफ मार्स ही रखेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ जो है दैट इज 6400 किलोमीटर्स, मार्स का 3200 किलोमीटर्स, और इनकी स्क्वायरिंग भी करनी है बिकॉज इनके स्क्वायर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे। ऑलराइट, आगे देखें, आगे जैसा कि आप देख इसमें ये से टू से जाके टू टू से फोर, और ये चला गया, ये 1/10 बचता है, राइट। तो 1/10 इंटू फोर, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जो ये जो जी प्राइम है ये है 4/10 टाइम्स जी। अब वेट देखना था हमें, वेट ऑब्जेक्ट का एम जी प्राइम, और इसके साथ भी एम मल्टीप्लाई कर दो। ये जो यहाँ पे हमने एम जी लिखा है ये है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड ऑन अर्थ, और अर्थ पे बताया गया था वो कितना है 200 न्यूटन्स। तो बेटा ये 4/10 के साथ 200 लिख दीजिए, तो ये वेट मार्स के ऊपर होगा, एज यू कैन सी इट इज 80 न्यूटन। ऑलराइट, तो आप देख लो यहाँ पे 80 न्यूटन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है ये। ऑलराइट, तो बेटा इस तरह से 80 न्यूटन यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 4। बेटा आए अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। मास ऑफ मून इज m by 81, तो ये मून बनाया मैंने इसका m by 81, क्योंकि मास ऑफ अर्थ m है तो वो 81 टाइम लाइटर है, ठीक है, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो दिया गया है अर्थ और मून के बीच में वो 60 r है। सो ये हो गया 60 r। अब कहा गया वो जगह बताएं जहां दोनों की ग्रेविटी कैंसिल करती है। लेट अस सपोज ये वो जगह है जहां पे ग्रेविटी दोनों की एक दूसरे को कैंसिल करती है। सो लेट अस सपोज इस डिस्टेंस को हम एक्स कह देते हैं, तो जो बाकी बचा दैट इज 60 r माइनस एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हमने m नॉट उसका मास है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स जीरो का मतलब m नॉट बाय x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m बाय 81 इंटू m नॉट बाय 60 r माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसमें बेटा कैपिटल G दोनों तरफ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखने की ज़रूरत है, जस्ट वो सेम है, कैंसिल हो जाता है, तो लिखने ना लिखने का फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एनी वे ये देखें मोस्ट ऑफ थिंग्स गेट कैंसल्ड, तो जो अब बच रहा है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 60 r माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट लेने पे x बनेगा, ये 9 है, इट इज 60 r माइनस एक्स। एंड नाउ यू स्टार्ट सिंप्लीफाइंग, अब ये जो है इस तरफ 9x नेगेटिव, इधर आके इसका जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा बिकॉज पॉजिटिव जाता है, तो 10x इज 540 r, तो x इज 54 r, है ना, ये कैंसिल। तो ये क्या है, ये दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम मून कितना होगा फिर उस जगह का, डिस्टेंस फ्रॉम मून टोटल था ना 60 r, उसमें से 54 r माइनस कर दीजिए तो वो बचता है 6 r। नाउ लेट अस सी, यहाँ पे 6 r सी ऑप्शन है एंड दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन, सो हम यहाँ लिखते हैं सी। इस मतलब कि अर्थ की ग्रेविटी काफ़ी दूर तक जाती है, वो मून के ऑलमोस्ट 6 r डिस्टेंस तक असर कर रही है, वहाँ जाके मून की ग्रेविटी इसे नलीफाई करने में सक्षम हो रही है। ऑलराइट, तो आई बेटा 6 क्वेश्चन करें। इसमें ई अपॉन जी रेशो का डायमेंशन फार्मूला पूछा गया, ई इज एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और जो जी होता है कैपिटल एम इनवर्स
एल क्यू टी माइनस टू, राइट, ये होता है ना इसका। अब देखो करें सिंप्लीफाई, एल स्क्वायर कट गया क्योंकि इसका क्यूब है तो एक ही एल बचा नीचे, टी नेगेटिव टू दोनों तरफ चला गया, ये एम जब ऊपर जाएगा बनाएगा एम स्क्वायर, ये एल ऊपर जाके बनाएगा एल इनवर्स टी ज़ीरो, सो ये हमारा आंसर होना चाहिए एम स्क्वायर एल इनवर्स टी ज़ीरो। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, राइट, यही है ना यहाँ पे, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन सिक्स। बट अब क्वेश्चन सेवन देखते हैं, टू प्लैनेट्स जिनके रेडियाई आर वन आर टू हैं, सेम मटेरियल से बनी, यानी सेम डेंसिटी है, तो देखो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो पहले का मास होगा उसकी डेंसिटी और उसका वॉल्यूम, तो ये ऐसे आ गया, दूसरे का मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ऐसे आएगा ना, ये इनका ले लो रेशियो। जब आप रेशियो लेते हैं तो एम वन बाई एम टू, ये देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये रो सेम है, फोर बाई थ्री पाई, ये सब सेम है, तो बच क्या रहा हमारे पास, आर वन बाई आर टू होल क्यूब। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, जो पूछा गया था इस क्वेश्चन में वो ये कि जी वन बाई जी टू की वैल्यू बताओ उन प्लैनेट की सरफेस पे, जी होता हमारा एम बाई आर स्क्वायर, तो जी वन बाई जी टू बनेगा एम वन बाई आर वन स्क्वायर एंड आर टू स्क्वायर बाई एम टू। अब गौर से देखें, ये जो था ना यहाँ एम वन बाई एम टू, ये आर वन बाई आर टू क्यूब के बराबर है, यानी ये जो ये जिनको येलो कलर दिया मैंने, इनका रेशो आर वन बाई आर टू, आर वन बाई आर टू का क्या बनेगा, ये होल क्यूब बनेगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये और ये, इनको भी उसी फॉर्मेट में लिखो स्मॉल आर स्क्वायर और ऐसे करके, ये तो आप देखें आर वन बाई आर टू क्यूब यहाँ पे है और आर टू बाई आर वन होल स्क्वायर यहाँ पे है, कैंसिल वेंसिल होके आर वन बाई आर टू बचता हमारे पास, सो हमारा ऑप्शन है आर वन डिवाइड बाई आर टू, एंड लेट्स चेक आउट विच इज़ द ऑप्शन, आर वन बाई आर टू, ये ऑप्शन ए है, ऑलराइट, हेंस दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन सेवन। बेटा क्वेश्चन एट में देखें, द वैल्यू ऑफ जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज 9.8, तो ये अर्थ की पहली पोजीशन है जहाँ पे इसका जो मास है वो एम दिया गया है, राइट, अर्थ का मास इज एम, तो एम इज द मास, ये अर्थ का साइज है और इसकी सरफेस पे किसी एक जगह पे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज प्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। अब सडनली ये श्रिंक होकर छोटी होगी अर्थ, इतना छोटे साइज की होगी, रेडियस आधा हो गया, लिखा वो हाफ द प्रेजेंट साइज, आधा डिस्टेंस होने से इसके मास में अंतर नहीं आया एज पर द क्वेश्चन, लिखा विदाउट लूजिंग एनी मास, तो मास अब भी एम है, पहले भी एम था, वो पॉइंट जहाँ पे हमें रीडिंग लेना है स्मॉल जी की वैल्यू का, वो वहीं का वहीं है उसी जगह पे, यानी अर्थ छोटी होगी आर बाई टू डिस्टेंस, ऊपर भी आर बाई टू है, तो टोटल डिस्टेंस अर्थ का यहाँ ये वाला डिस्टेंस आर बाई टू, आर बाई टू ऐड करें वो आर ही रहता है, तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास स्मॉल जी का। अब यहाँ पे जाके अगर मैं कहूँ स्मॉल जी चेंज हो रहा है, सपोज चेंज हो रहा है, तो मास तो वही रहा, डिस्टेंस आर बाई टू, आर बाई टू ऐड करें स्क्वायर करें, अरे ये वही तो आ रहा है, नहीं आ रहा ना, सेम ही आ रहा है, सो जी इक्वल टू जी प्राइम, यानी नो चेंज एट ऑल, तो अर्थ पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी 9.8 ही रहेगी इवन अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, सो दैट मीन्स अवर आंसर इज ए फॉर क्वेश्चन एट। अच्छा बेटा क्वेश्चन नाइन देखें, फॉर्मूला फॉर द मास ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी आर एंड जी, देखो हमें तो ये फॉर्मूला मालूम है, ऑलराइट, तो एम क्या बनेगा, जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी, तो है कहीं ऑप्शन ये, सो बेटा इसका ये ऑप्शन है बी, जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी। ओके बेटा नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, इसमें स्मॉल जी का ये फॉर्मूला हमें यूज करते हुए डेंसिटी को इन्वॉल्व करना है, मास बाई वॉल्यूम ये होता है, इट इज़ डेंसिटी, तो जहाँ पे मास है वहाँ पे ये टर्म लिख दो, ठीक है, दैट मीन्स पुट दिस ओवर हियर,
and let us see what happens. So small g is g by r square, or m ki jagah likhna hoga rho 4 by 3 pi r cube. Ye r square to kat gaya, akela r bachega wahan pe. To g rho 4 by 3 pi r is small g. Therefore density is, le jao sub terms right wali taraf. ठीक है, क्या किया मैंने, बड़े ध्यान से देख लेना, रो मालूम कर रहा था एक इधर रखा, बाकी 3 टू g चला गया इधर, 4 पाई r कैपिटल g डिनोमिनेटर में आ गया. अब देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सो यू कैन सी दिस इज ऑप्शन ए, 3g / 4 पाई gr, एंड ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेटा इसके साथ ही हमारा PYQ असाइनमेंट सॉल्यूशन समाप्त होता है. हमने इसके सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझा दिए हैं. नाउ व्हाट यू हैव डन, जो असाइनमेंट आपने सॉल्व करके हमें भेजी है, सबमिट की है, उसके साथ इन आंसर्स को कंपेयर कर लेना, आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चल जाएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल.